एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आज हम लोग हरिद्वार बहादुराबाद में संस्कृत महाविश्वविद्यालय में जा रहे हैं और वहाँ के आचार्यों से वेद वार्ता हमें करनी है। तो आप बने रहिए इस ऐतिहासिक मुलाकात में हमारे साथ। एक विद्यार्थी जो वेद को समझना चाहता है, अनेक भाष्य उसके सामने आते हैं, एक ही मंत्र के कई अर्थ वो देखता है तो वो भ्रमित हो जाता है। वो क्या करे, कैसे करे, इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। दो बातें होती हैं, एक तो ये है जितना मैंने समझा है, एक तो ये होती है कि भाष्यकार का सामर्थ्य कितना है, दूसरा कितना पद वाक्य प्रमाणज्ञ है, वो कितनी उसकी समझ है। वैदिक निघंटु निरुक्त इत्यादि जो व्याकरण संबंध ग्रंथ हैं उनको उसकी समझ कितनी है, दूसरा उसका जो इसकी समझ के बाद जो उसका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, उसका स्वयं का परिप्रेक्ष्य जुड़ जाता है तो उसकी उसका अपना भाष्य बन जाता है वो, जिसमें उस मक्षिका स्थाने मक्षिका जो अनुवाद का पैमाना है, कसौटी है, निकष है, मक्खी के स्थान पर मक्खी, ये जो मक्षिका स्थाने मक्षिका की कसौटी है, इसको छोड़कर लोग भावानुवाद करने लगते हैं, भाव भाष्य करने लगते हैं, अर्थ भाष्य न होकर के भाव भाष्य हो जाता है। तो जब भाव भाष्य हो जाता है तो आपका अपना हो गया, आपका अपना हो गया, आपका अपना हो गया, मेरा अपना होगा, एक विद्यार्थी उसमें भ्रमित हो जाता है। निश्चित रूप से भाष्य सामने रखता है, मान लीजिए एक शोध विद्यार्थी है, शोध करता है, PhD करता है, और एक ही मंत्र को वो अलग अलग भाष्य में अलग अलग प्रकार से पाता है, तो उसमें मेरे ख्याल से थोड़ी कठिनाई अवश्य, निश्चित रूप से कठिनाई होती है। एक तो ये है कि आप वैदिक पाठ में घन पाद पद पाठ इत्यादि जो छोटी छोटी उदात अनुदात स्वरित प्रचय इत्यादि का सम्यक बोध होना चाहिए विद्यार्थी को, और भाष्यकार को तो हम ये मानते हैं, भाष्यकार का मतलब यह हुआ उस पर अपनी टिप्पणी करना, मूल ग्रंथ पर अपनी बात कहना। तो जो मूल ग्रंथ पर अपनी बात कही जाती है तो एक तो उसका बेसिक कैरेक्टर होता है, जो मूल चरित्र होता है जो उसके अपने साथ बना हुआ होता है, ऋचा जो कहती है, ऋषि का जो अभीष्ट है, उस ऋचा के माध्यम से उस वैदिक मंत्र के माध्यम से अपना मैसेज देना समाज को, एक तो वो मूल चरित्र होता है, मूल बात होती है, दूसरा उसके आधार पर भाष्यकार का अपना भाव होता है। तो हर भाष्यकार का अपना भाष्य होना स्वाभाविक है, किंतु मूल चरित्र जो मूल बात होती है, ऋषि वचन का जो मूल अर्थ है उससे अर्थ भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है, ऐसा मेरा सही बात है, सही बात है। अर्थ भ्रष्ट हो जाता है, अर्थच्युति हो जाती है, तो फिर वो अपना मूल चरित्र मूल अर्थ खोने लगता है, तो इस ये नहीं होना चाहिए विद्यार्थी के लिए। एक जैसे प्रश्न ये है कि विद्यार्थी वेद पर कुछ करना चाहता है, अनुसंधात्मक कार्य, या भाष्यों पर करना चाहता है, तो भाष्यों पर करेगा तो तुलनात्मक करेगा, तो सबका अलग अलग भाष्य अपना, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने महीधर और सायण दोनों को रिजेक्ट कर दिया जी। आप पढ़ेंगे तो आप उनको भी रिजेक्ट कर देंगे, जो भी जैसा लोगों का अपना ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखी है, हाँ, स्वामी दयानंद, हाँ, तो उसमें जो उन्होंने महीधर का वो चरित्र दिखाया है और उनके जो कोट किए हैं जो मंत्र, तो बड़ी अजीब से हैं। ठीक बात है जी, उनको विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक PhD करने वाला विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये है क्या है। एक बात अलबत्ता है, देखिए साहब आप पूज्य संत हैं और जितनी मैं विद्यार्थी हूँ एक विद्यार्थी होने के नाते, मूल स्वभाव हम लोगों का भी विद्यार्थित्व का है, तो एक विद्यार्थी होने के नाते मैं एक बात कहना चाहूँगा जी कि
जितने भी भाष्यकार हुए हैं उन सब में देश काल परिस्थिति जो तीन अन्वितियाँ हैं, प्रत्येक देश, प्रत्येक काल, प्रत्येक परिस्थिति, इनको अन्वित त्रय बोला जाता है। इन अन्वित त्रय का आश्रय लेकर कोई भाष्यकार अपने देश, अपने काल, अपने परिस्थिति के सापेक्ष जो बात कहता है वो उस समय तक प्रासंगिक होती है या एक उससे जुड़े हुए कुछ कालखंड के लिए वो रेलेवेंट या प्रासंगिक होती है। इसी तरह दूसरे भाष्यकार अपने कालखंड के लिए उनका प्रासंगिक होता। धीरे धीरे करके भाष्य आने वाले समय के संदर्भ में अपना जो प्रासंगिकता कम करते जाते हैं, मूल जो प्रासंगिकता है वो भले बनी रहे। हाँ, इसीलिए कहा गया कि मंत्रों का, ऋक मंत्रों का, यजुष मंत्रों का, साम मंत्रों का, अथर्व मंत्रों का या अथर्वण मंत्रों का जो अनुवाद किया जाए उसमें वैदिक व्याकरण सम्मत अनुवाद होता है तो उसका जो मूल अर्थ है, मूल भावना है, वो अर्थच्युति भावच्युति नहीं होती है, फिर वो अपना बनाए रखता है। और इसके लिए अलग अलग वेदों के अलग अलग अध्येता हैं, अलग अलग वेदों के अलग अलग शास्त्र जो वेदज्ञ हैं। एक ये परंपरा है, दूसरा ये है आजकल जो उसमें विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं वो उस न्याय से पढ़ाए जाते हैं कि कुछ इससे ले लिया, कुछ इससे ले लिया, कुछ इससे ले लिया, कुछ इससे ले लिया, थोड़ा थोड़ा सा अंश ले करके उनका मधुबिंदुवत एक संकलन कर दिया, तो जो एक वो ले लिया उसका आपका अग्नि सूक्त का ले लिया, एक इंद्र सूक्त का, एक कुमार अश्विनो सूक्त, अब इस तरह से अलग अलग सूक्तों में अलग अलग पाठ्यक्रमों रख दिया तो परिचयात्मक ज्ञान मात्र हो पाता है, विशेषज्ञता नहीं आ पाती है एक विद्यार्थी के लिए। आपने जैसे भाष्य की चर्चा की, आप भाष्य कर रहे, निश्चित रूप से ये भाष्यकार की सामर्थ्य किसी वेदज्ञ से अधिक होती है, तब वो उसमें अर्थ, मूल अर्थ को, वैदिक ऋचाओं के मूल अर्थ को बनाए रखते हुए अपनी भावाभिव्यक्ति देता है, वही भाष्य है, उसकी भाषा तो भाष्य बन जाती है। तो ये आपका सामर्थ्य निश्चित रूप से उस स्तर का है, आप कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे अभी आपने चारों वेदों का जिक्र किया तो उसमें अथर्ववेद में कुछ मंत्र, खिल मंत्र जिनको बोलते हैं अंतिम अध्यायों में, इस तरह के रहते हैं, वो लगता ही नहीं कि ये संस्कृत हम पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे फारसी पढ़ रहे हैं। जैसे उनमें एक मंत्र मुझे ध्यान में आता है, अलभकम निखातकम जी, अलभकम अलभकम निखातकम, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अरबी या फारसी वाला कोई बोल रहा है। एक बड़ी रुचिकर बात आपने कही है, जो अलभकम निखातकम, जो दजला फरात की घाटी की सभ्यता है जी, वो सैंधव सभ्यता के इर्द गिर्द मानी जाती है। तो जो दजला फरात की घाटी का मतलब जो एशियन, जो आपका पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, इराक हो गया, ईरान का कुछ हिस्सा हो गया, सीरिया का हिस्सा हुआ, ये दजला मेसोपोटामिया की सभ्यता या दजला फरात की सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं, दजला घाटी की सभ्यता। हम जानते हैं सारी जो वैली ही सभ्यता विकसित करने का आधार नहीं, हमेशा से घाटी ही रही, नदियां ही आश्रय बनती रही सभ्यताओं और संस्कृतियों का इसमें। अब वहाँ की जो भाषा है, दजला फरात घाटी की जो भाषाएं हैं और जो हमारे भारतीय भाषाएं हैं, लिंग्विस्टिक की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अभी एक वेद के बड़े उद्भट विद्वान हुए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर तिवारी जी थे, उन्होंने अब नहीं रहे, वो शरीर शांत हो गया उनका, उन्होंने जिंदा वेस्ता एक ग्रंथ लिखा इसी पर, जिंदा वेस्ता मैंने पढ़ा है, वो पढ़ा तो बहुत सारे उसका, बिल्कुल उन्होंने ना जो उनका पर्शियन है, पर्शियन का बिल्कुल संस्कृत, एग्जैक्टली बिल्कुल टोटल उसको एकदम से वो का वही रखा, बिल्कुल ठीक बात है। और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि ये वेद का ही
एक प्रोफेसर वर्जन है। प्रोफेसर हरिशंकर त्रिपाठी जी एक कैसे प्रसिद्ध स्कॉलर हुए हैं, विशेष रूप से जो उनका ये इस दोनों सभ्यताओं और दोनों संस्कृतियों और दोनों का जो आदि ग्रंथ है उसको लेकर के बड़ी सिमिलरिटी उन्होंने दिखाई है। वो है सिमिलरिटी है जी, तो जी। लेकिन मूल आप हैं, मूल के मतलब भारतीय समझ है, भारतीय विद्या है मूल, वो नहीं है, दोनों आस पास है। उन्होंने ये भी उसमें लिखा है कि अंगिरा ऋषि वहाँ गए थे पैगंबर जरासंध के पास में, या कहिए उनको वो मिले थे वहाँ, वो वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे थे और वो सारी शिक्षा अंगिरा ऋषि ने उनको जरासंध को दी और वो एज इट इज उसको उन्होंने अपनी भाषा में जो पर्शियन थी उसमें बोला और उन्होंने संस्कृत में उसको। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो अभी आपने जरासंध की चर्चा की, वहाँ भी अग्नि, जैसे हमारा पहला मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम, पहला मंत्र है अग्नि को संबोधित है, उसी तरह से वो भी अग्नि को, अग्नि टेंपल को अपना अभीष्ट मानते हैं, अग्नि अग्यारी बोलते हैं। Exactly. हम लोग गए हैं उसमें। अच्छा, बड़ौदा में तो बड़ी हमारे लिए, मैं गया नहीं, मैं तो पढ़ा हूँ। वो जाने नहीं देते जो दूसरे धर्म के लोग हैं ना, उनको हिंदू हैं और कोई हैं जो पर्शियन हैं, केवल वही उसमें एंट्री कर सकते हैं। बड़े उनसे प्रार्थना करके और बहुत मिन्नतों के बाद हम वहाँ पे गए, तो हमने देखा वो अग्नियारी हैं और बड़े बड़े बर्तनों में उन्होंने अग्नि जलाई हुई है और वो जैसे यज्ञ हमारा होता है वो अपना दूसरे तरीके से बोलते मंत्र ही हैं और वो ईश्वर की आराधना, वो वैदिक संस्कृति के वैदिक संस्कृत के आसपास उनके भी मंत्र वही हैं। बिल्कुल वही चीज़ है, बहुत सारी बस वो ये है कि पृथ्वी पे वो अग्नि को परमात्मा का साकार रूप मान रहा है। एग्जैक्टली इदमेव सत्यम, यही सत्य है जी, जी। जो प्रोफेसर हरिशंकर त्रिपाठी का विद्यार्थी होने का सौभाग्य मुझे भी मिला है जी। तो मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ का विद्यार्थी रहा जी। तो वो जो छाप है, जो समझ है, जिंदा व्यवस्था को हमने अधिक पढ़ा तो नहीं है, स्पर्श करके आलोडन करने का अवसर तो नहीं मिला आप जैसा, लेकिन वो पूज्य गुरुदेव का धर्म ग्रंथ समझ करके उसको माथे से लगा करके रखते हैं, कुछ कुछ पढ़ते हैं। मैं वो हमारे पास है, इसको स्पष्ट पढ़ सकते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है पढ़ना, उसका हिंदी भी है और पर्शियन भी है और संस्कृत भी है, तो वो ईजीली उसको पढ़ सकते। भारत, अखिल भारतीय स्तर पर ये काम और किसी ने किया नहीं उनके अलावा, ये काम और किसी ने नहीं किया। यानी उस वो जो दो, एक तो इजिप्ट की जो सभ्यता है, मिस्र की, मिश्र, और दूसरा वो लोग सूर्य उपासक थे। बिल्कुल ठीक, सूर्य उपासक। पर अलकाहिरा जो यूनिवर्सिटी है जी, हमारी जो तक्षशिला, नालंदा, जो हमारी आइडेंटिटी होती थी, हमारी विद्या की बहुत बड़ा वाहक साधन हुआ करता था, संस्थाएं होती थी, वो अलकाहिरा विश्वविद्यालय है मिस्र का, उससे उसका साम्य दिखाया जाता है। हमने तो देखा नहीं, वो जो गुरुदेव के ग्रंथों का पढ़ करके उसके जरिए समझने की कोशिश किया है। आप तो भाग्यशाली हैं कि आप वहाँ तक गए और मुझे अवसर मिला है करीब से देखा, और मैं भाग्यशाली इन अर्थों में है कि आप वहाँ देख कर आए, मैं आपको देख रहा हूँ। ये एक परंपरा, सौभाग्य मेरा भी जगह है। कहावत है संस्कृत में, सताम सदभी संगह कथमप ही पुण्येन भवति, किसी संत का साथ किसी सामान्य व्यक्ति का बड़े पुण्य से होता है। तो आपने फोन करके मेरे पुण्य जग कुछ बचे थे उसको उद्बुद्ध किया, ये दर्शन करने का सौभाग्य मिला मेरे लिए। ये हमारा सौभाग्य है जो यहाँ हम आपकी स्थली में हैं। ये निश्चित रूप से तपस्वी जनों का, जैसे अथर्ववेद का ही जी एक वाक्य है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत, ब्रह्मचर्य और तपस्या के बल पर ही देवता अमर हुए हैं। तो आप सब उसी श्रेणी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अमरत्व की ओर। ये आपका ब्रह्मचर्य का बल हो सकता है या आपकी तपस्या का बल हो सकता है। मैं गृहस्थ होने के कारण मैं उन दोनों से वंचित हूँ और आप लोग इस दृष्टि से बहुत ऊपर हैं, तो हमारे लिए श्रद्धेय हैं। कभी
एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं संस्कृत के, महाकवि माघ। तो महाकवि माघ ने देवर्षि नारद के को पर्वत से उतरते हुए एक बात कही थी, वो मैं उसको कोड करता हुआ अपनी बात कहता हूँ। भगवान कृष्ण के पास आ रहे होते हैं मिलने के लिए, शिशुपाल का वध कराना होता है, उनका एजेंडा होता था देवर्षि नारद का, एक निश्चित एजेंडे के तहत वो मूव करते थे। तो अपने एजेंडे को लेकर के जब वो चलने लगे तो देखा देवर्षि नारद भगवान कृष्ण के घर आ रहे हैं, दृष्टि पड़ती है देवर्षि नारद पर भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण के मुँह से महर्षि महाकवि माघ कहलाते हैं, वो मैं कोट कर रहा हूँ, वो कहलाते हैं कि हरत्यघम संप्रति हेतु रेश्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः, हरत्यघम संप्रति हेतु रेश्यतः शुभस्य पूर्वाचरितं कृतं शुभैः, शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालात्रितैपि योग्यताम। देवर्षि, आपका जो ये दर्शन है, यद्यपि आप बिना प्रयोजन के कहीं नहीं चलते हो, और वो प्रयोजन मैं चर्चा नहीं करूं, लेकिन आप प्रयोजन विशेष से आने के बावजूद भी आपका जो ये दर्शन है मेरे लिए मेरी तीनों कालों की योग्यता को व्यक्त करता है। मैंने पहले अच्छा कर्म किया था, इस समय अच्छा कर रहा हूं, और आगे भी जिस प्रयोजन को लेकर आप आए हैं उस प्रयोजन को भी पूरा करने के लिए अच्छा करूंगा। ये तीनों कालों की मेरी योग्यता को व्यक्त करने वाला आपका दर्शन है मुझ जैसे शरीरधारियों के लिए। तो भगवान कृष्ण के वचन थे, ये अरविंद के वचन है जैसे व्यक्ति के लिए। यही आप बड़े पुण्य कार्य में लगे। हाँ, आप भी बड़ा श्रेष्ठ कर्म कर रही पूरे सभा के सामने। इतनी यात्राओं का उत्थान हो रहा है, ज्ञान ज्योति उनको प्राप्त हो रही है, और इसलिए आज हमारा भी मन हुआ कि आपके दर्शन करें। गुरु जी का मन हुआ कि उधर भी एक संस्कृत विश्वविद्यालय देखते हैं भाई क्या। मैं कुछ स्वागत नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपका मैं आग्रह करूँ कि मैं कुछ मंगाऊँ यहाँ से, कैंटीन है छोटी सी जैसे भी है। हमारे उपवास रहते, मेरे तो निर्जल रहते प्रतिदिन, प्रतिदिन निर्जल रहते सुबह से शाम तक, प्रतिदिन निर्जल रहते सूर्यास्त के बाद भी जल आदि। अच्छा, एक धृष्टता मैं कर रहा हूँ, मैंने आपके शब्दों से, आपके संतत्व शब्द को सुन करके अंदर से जो मुझे अच्छी अनुभूति हुई, तो वह अभी भी लगातार बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी, पुण्य का क्षण है मेरे लिए। तो एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से संघ से कहाँ से जुड़े हैं, आप कुछ बता रहे थे, मैं समझ नहीं पाया था जी। आप हाँ, हमारा गांव है फुलचंदर फुलचंदर हाँ जिला बिजनौर में जी, और वहाँ पे मुख्य रूप से वैदिक हमारी धारा है। कि कोई संघ है अपना? बस यही है सनातन वैदिक, एक तू सच्चा तेरा नाम से, एक तू सच्चा तेरा। हाँ, अब मैं रिकॉग्नाइज कर लिया मैंने जी। हाँ, वो बड़ा तो पुराना है, बहुत काम कर रहा है एक तू सच्चा तेरा। ईश्वर आराधना हमारे यहाँ होती रहती है, हर घंटे पे होती है, रात्रि 2 बजे से ये हमारा दिनचर्या प्रारंभ होती है और चलता रहता है। हम कभी आना चाहेंगे तो अरे बड़ा आनंद होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम अपने विद्यार्थियों को भी दिखाएंगे। हाँ, आप आएंगे तो पता या कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह? अच्छा, ठीक है सत्संग चैनल पे गुरु जी साचाली से आप इधर नियमित रूप से आते हैं। अच्छा, सत्संग चैनल पे भी सुन सकते हैं आप? ठीक है, और सब फोन नंबर हो गया। ठीक है, मैं अब तो माध्यम अच्छा हो गया, आपने मुझे दे दिया। आप यहाँ क्या क्या देखना चाहेंगे? हमारा वेद आपको देख लिया, काफी देख लिया। अच्छा मैं हमारा प्रशासनिक भवन जब आपने एंट्री किया गेट से तो ठीक सामने है जी। हमारे वाइस चांसलर साहब हो सकते हैं, हमारे कुल सचिव साहब हो सकते हैं, वेद के एक ब्राह्मण, हम यही जानना चाहते हैं। हाँ, उनसे मिलने तो अच्छा है, और
ये कि विद्यार्थियों को किस तरह से आगे बढ़ना। मैं अपने हमारे जो वेद विभाग को देखते हैं, मैं एक बार उनको मैं अपना परिचय दे देता हूँ। ऐसे आचार्य जी ने तो दिया ही होगा जी। मेरा नाम है छोटा सा डॉक्टर अरुण मिश्र मुझे कहते हैं, और ये मुझे प्रसन्नता है कि आप हमारा, चूँकि मैं वेद विषय में रुचि रखते हैं आप सभी जी, जी। तो मैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद एवं पौरोहित्य विभाग की तरफ से आप सभी का आदर पूर्वक मैं सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ विश्वविद्यालय के वेद विभाग में। मैं वेद हम सभी जानते हैं, आप तो पढ़ते पढ़ाते हैं और उस पर रुचि रखते हैं। वेद के जो मूल तो ऋग्वेद ही था, उसके बाद से उस जो उसके चार व्यास जी ने उसके चार विभाजन किए, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं सामान्य तौर पे, और उन ऋचाओं पे जो गान है वो सामवेद में है, और यजुष के रूप में माने यज्ञ आदि जो होते हैं, यज्ञ परक जो मंत्र हैं, वो सभी जो है यजुर्वेद में निबद्ध हैं, और आयुर्वेद इत्यादि से संबद्ध जो अपने जो मंत्र हैं वो प्रायः अपने को अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं। तो सामान्य परिचय वेदों का है, आप सब जानते ही हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि वेदों के अलग अलग अर्थ जो करते हैं, एक विद्यार्थी उसको किस तरह कैसे करेगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि वेदाध्ययनम षडंग रूप से करना चाहिए। वेद का अध्ययन केवल मात्र आप संहिता ग्रंथों का, मंत्रों का केवल अध्ययन कर लेते हैं तो आपका अध्ययन पूर्ण नहीं होता है। उसके लिए आपको षडंग माने वेदों के जो छह अंग है, छह अंग कौन से हैं, तो हमारे यहाँ आचार्य पाणिनी इत्यादि आचार्यों ने उसको बताया। विशेषतः पाणिनी ने कहा कि छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोथ मुच्यते, ज्योतिषामयनम चक्षु, निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। कहा कि भाई एक पुरुष जो होता है उसके अंग होते हैं, जैसे एक सामान्य हम सभी हैं तो हाथ है हमारा, मुख है हमारा, हमारे अन्य वदन है, अन्य अंग होते हैं। उसी तरह से वेद जो वेद रूपी जो विराट पुरुष है, उस पुरुष के छः अंग हैं। वो छंद जो है, छंद शास्त्र एक है, तो वो जो वेदों में जो छंद हैं वही जाकर के छंद उसके सप्त छंद कहे गए, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये सप्त छंद कहे गए। तो ये छंद जो हैं उनके पाद हैं। जैसे पैर के बिना कोई व्यक्ति समुचित रूप से नहीं चल सकता है, पैर आवश्यक है, उसी तरह से छंद आवश्यक है। किस लिए? मंत्रों के लिए जी। तो वह जो छंद शास्त्र है वो वेद रूपी महा विराट पुरुष का क्या है? पैर है, जानते हैं हम सभी। तो छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, और जो कल्प शास्त्र है वह कल्प शास्त्र उनका क्या है? हस्त है, ये हमारे दोनों भुजाएं हैं। वैसे एक से भी हम काम कर सकते हैं, बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनके पास दोनों भी नहीं होते तो भी काम करते हैं, लेकिन पूर्ण होने के लिए हमें क्या है, आवश्यक है कि दोनों हस्त होना चाहिए, तभी हम पूर्ण हैं और जिस कार्य को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उसके लिए कल्प शास्त्र की आवश्यकता है। कल्प शास्त्र क्या है? तो कल्प शास्त्र में होता है कि हमारे जो श्रौत सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, और धर्म सूत्र हैं, और कल्प सूत्र हैं, वह जो है कल्प शास्त्र के अंतर्गत ये चार चीज़ें मिल करके वह जो है कल्प शास्त्र कहेंगे। श्रौत सूत्र क्या है? तो श्रौत सूत्र का एक सामान्य परिभाषा ये है कि वेद प्रतिपादित, वेदों में जो यज्ञ आदि या जो भी अनुष्ठान होते हैं वेदों के द्वारा, वेदों में जो बताए गए हैं, तमाम यज्ञों का नाम आपने सुना होगा, ये फलाना वेदोक्त यज्ञ है, वेद के द्वारा कहे गए यज्ञ हैं, तो वह जो है उनका वर्णन हमको करने की जो विधि बताता है वह बताता है हमारा श्रौत सूत्र बताता है। और गृह सूत्र क्या बताता है? जो वर्तमान में जो चल रहा है, अब श्रौत सूत्रों के अनुसार यज्ञों होते हैं लेकिन बहुत न्यूनता हो आ गई उसकी, बहुत कम देखने को अपने को मिलते हैं इस कलयुग में। लेकिन ज़्यादातर आप सुनते होंगे ये विष्णु भगवान का यज्ञ हो रहा है, यह जो है फलाने गुरु महाराज का यज्ञ हो रहा है, फलाने महर्षि का यज्ञ हो रहा है, ये शिव जी का यज्ञ हो, ये सब क्या है? ये गृह सूत्रों के अनुसार होते हैं ये स्मार्त यज्ञ। तो वह सभी उनका सब जो गृह मतलब घर,
और घर में जो कार्य होते हैं उनकी जो विधि बताने वाला है वह कौन सा ग्रंथ है, वह गृह सूत्र है, उनमें सब उसका वर्णन है। और धर्म सूत्र क्या है, जो तमाम मनुस्मृति इत्यादि शास्त्रों का जो नाम आपने सुना होगा, तमाम स्मृतियाँ सुना होगा, या केवल स्मृति है, मनुस्मृति है, अन्य भी हमारे जो महाऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने जो विधियाँ बताई हैं, वो जो नियम बताए हैं, वो धर्म सूत्रों में उनका वर्णन है, धर्म सूत्रों में वो सब चीज़ें लिखी गई हैं, तो वो धर्म सूत्र हैं। और एक कल्प सूत्र भी होता है, कल्प शास्त्र के अंदर कल्प सूत्र, ये जो जमे आप जानते हैं कि जो एक तरह से ये नाप तौल जो होता है उसका मूल जो है वो उसका स्रोत जो है वो कल्प सूत्रों में मिलता है। तो कैसे कैसे ये यज्ञ वेदी कैसे बनेगी, यज्ञ कुंड कैसे बनेगा, हवन कुंड कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें हमें जो है वो कल्प सूत्र, तो ये चारों मिल करके कल्प शास्त्र के अंतर्गत है। तो ये उसका हाथ है सेकंड। और तो छंदा पादौ तो वेद से हस्तौ कल्पो तम उच्यते ज्योतिषाम अयनम, ज्योतिष शास्त्र उसका अयन है, माने चक्षु है उसका, जैसे हमको आवश्यक है, बिना आँख के वाले भी हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर समुचित तो उस आदमी का मनुष्य का विकास चाहिए तो उसके लिए हमें चक्षु चाहिए, और चक्षु शास्त्र के लिए हमें ज्योतिष शास्त्र बताता है कि वेदोक्त वेद ज्ञान हमें कैसे मिलेगा, तो वो हो गया तीसरा। और निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, श्रोत्र माने कर्ण, ये जो हमारे कान है जैसे अच्छे तरह से सुनने के लिए, तो जैसा आप कह रहे थे कि कैसे भाई सामान्य आदमी कैसे उसको समझ सकेगा, और सामान्य विद्यार्थी जो पढ़ने वाला है वो वेद का कौन सा अर्थ कैसे होगा ये कैसे, तो उसके लिए जो निरुक्त शास्त्र है, हमारे आचार्यों ने निरुक्त के जो आचार्य हुए हैं, किस तरह से अर्थ उन मंत्रों का लगाना चाहिए, उनकी विधियां सारी हमारी जो है निरुक्त शास्त्र में बताया गया है, मंत्र का पद का अर्थ कैसे लगाना है, किस विधि से लगाना चाहिए तो कौन सा अर्थ निकलेगा, उसके लिए हमारे आचार्यों ने निरुक्त शास्त्र को बताया। और व्याकरण शास्त्र का सब बड़ा प्रचलित है, आप जानते ही हैं कि कैसे शब्दों का ज्ञान होगा, क्या होगा, तो मुख है वो, मुख से जैसे हम बोलते हैं तो वाणी हमारी शुद्ध कैसे होगी, उसके लिए व्याकरण शास्त्र आवश्यक है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख व्याकरण शास्त्र उसका मुख हो गया, तो इस तरह से ये पूरा जो है इनके छह शास्त्र हमारे षडंग जो है बताए गए हैं। इस तरह से अध्ययन वेदाध्ययन तभी पूर्ण होता है, केवल एक ग्रंथ पढ़ने से वह उसका ज्ञान हमें हो तो सकता है, अल्प ज्ञान हो सकता है, उसके विषय में ज्ञान हो सकता है, परंतु हमें समुचित ज्ञान करने के लिए हमें ये षडंग के साथ अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो इतना हम तो आपका सुनने के लिए हम आए, आपसे मिलने के लिए, बाकी तो आपने चर्चा कर दिया, तो बहुत अच्छी चर्चा आपने की है। और एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अथर्ववेद में कुछ ऐसे मंत्र मिलते हैं खिल मंत्र जिनको कहा गया लास्ट में ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे हम संस्कृत ना बोल के फारसी जैसा कुछ सुन रहे हैं, जैसे अलबकम निखातकम मंत्र आता है अथर्ववेद में, और भी कई सारे इस तरह के हैं, तो ऐसा लगता है कि ये संस्कृत ना हो के फारसी है, अरबी है, क्या है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और बहुत ही मैंने इस पे अच्छा रोचक है। दरअसल क्या है कि वेद की जो भाषा है ना, शैली है, वेद की जो शैली है वो संस्कृत भी नहीं है, ये मंत्र केवल उसमें अथर्ववेद में ही पाए जाते हैं। मैं अभी वही बता रहा हूँ, वो खिल सूक्त जो है ऋग्वेद में पाए जाते हैं, और खिल सूक्तों की ऐसा कुछ मानते हैं लोग मानते हैं, वैसे मैं तो ये नहीं मानता हूँ क्योंकि वेद कुछ उनको मानते भी नहीं है। लोग हाँ वही, इसीलिए मैंने कुछ लोग कहते हैं कि बाद में इनको ऐड किया है, ये वेद से नहीं है, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए जब वो वेद में है तो वो तो वेद ही मानेगा उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको मानते हैं, उसी का पार्ट है। अब ये है कि हुआ क्या है कि वो जो संग्रह हुए ना, वो एक दिन का संग्रह या दो चार दस वर्ष का संग्रह नहीं है, हम तो उसको अपौरुषेय असंख्य वर्षों का मानते हैं, वो कोई पर्टिकुलर एक ऋषि के या एक समय में 100 या 50 वर्ष में या 2000, ये तो हम कहते हैं ऋषियों को कहते हैं साक्षात्कृत धर्माणा ऋषियो बभुआ, ऋषि शब्द का मतलब ही होता है देखना, ऋषियो मंत्र द्रष्टारा, कौन होते हैं ऋषि, जिन्होंने मंत्रों को देखा, दृष्टा मंत्रों को देखने वाले, तो मंत्र जो देखने वाले जो ऋषि हैं, वह ऋषि जो है वह कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं है, वह आप पाएंगे जो मंत्र वेद को पढ़ते हैं तो उसमें पाएंगे अलग अलग ऋषियों के नाम आते हैं, तो किसी ऋषि ने किसी मंत्र के कुछ भाग को देखा,
किसी अन्य ऋषि ने कुछ और देखा, और उसको केवल जो संग्रह किया वो व्यास जी ने किया, उनके काल में हुआ। बाकी वो वेद, तो वेद का मतलब ही होता है ज्ञान, वह ज्ञान जो इधर उधर बिखरा हुआ था उसको उनको कंपाइल कर दिया उन्होंने व्यास जी ने। बाकी वह मंत्र तो असंख्य बिखरे पड़े थे, और वह ऋषि लोग तपस्या करते थे असंख्य वर्षों तक, और वो तब अब भी बहुत सी संगीताएं हैं जो वेद में ऐड नहीं की गई हैं। जी जी, लेकिन है 1131 उनकी जो है शाखाएं थी वेद की, जो कि आज लगभग वह 9 से 11 के बीच में उपलब्ध हैं, जिनका पठन पाठन अभी जो हम जानते हैं वेदों का पहले लिखने की परंपरा नहीं थी, श्रुति कहते हैं वेदों को, इसलिए क्योंकि एक ऋषि अपने शिष्यों को बिना वो पढ़ाता था, सुन करके कंठस्थ करने की परंपरा थी वेदों की, तो वह आज भी उसमें केवल हस्तस्वर से बता देता है देखने वाला शिष्य, आज भी वो परंपरा जीवित है कि वह कौन सा उदात्त है। जैसे वेद शब्द है तो वेदी शब्द का उदाहरण देखेंगे, अगर वह आद्युदात्त वेद शब्द है तो वह जो है ज्ञान परक है, और अंतोदात्त वेद शब्द है तो बोलने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसका हस्त स्वर देने से पता लग जाता है कि कौन जो है, दर्भ कहते हैं ये कुशा जी। तो एक वेद शब्द जो है कुशा का वाची है, और एक वेद शब्द जो है ज्ञान का ज्ञान का वाची है जी। तो लेकिन वो केवल स्वर से होता है, बहुत लोग आप देखेंगे कि स्वर को प्रधानता नहीं देते हैं, हमारे यहाँ वेदों में हस्त स्वर देख करके, और वो उसका बड़ा महत्व है। जैसे कोई मंत्र हम आपको कहेंगे तो स्वर के साथ कहेंगे, हस्त स्वर दे करके। आपको एक मंत्र कहता हूँ, सुनेंगे आप, प्रचलित होगा, आप जानते ही होंगे, हरि ओम मा विश्वानि देव सवितर दुरिता निपरा सुवा जद भद्रांतन्ना आसुवा। तो ये जो आपने सुना उसमें उदात्त अनुदात्त और स्वरित, माने कौन सा शब्द कहाँ पे वर्ण जो है उदात्त में है, कौन अनुदात्त है, वह सब हमको हस्त स्वर के द्वारा ही बताना होता है। और एक पूरी ये वेद की क्या है, जैसे संगीत की, शास्त्रीय संगीत की एक परंपरा है, अपने गुरु के सानिध्य में जैसे जाके अध्ययन करना आवश्यक है, उसी तरह से वेद की, वेद जो है वेदाध्ययन गुरु के सानिध्य में जाके ही करके। बिल्कुल, ये अंतिम और सत्य बात आपने कही, क्योंकि संगीत में भी ऐसे ही, जब तक वो रागों को और स्वर को वही कोमल ऋषभ भैरवी में लग रहा है, वही कोमल ऋषभ आपके तोड़ी में लग रहा है, तो चेंज हो जाता है दोनों में ना, वही कोमल गंधार आपका लगता है भैरवी में, और वही कोमल गंधार आपका दरबारी में लगता है, तो बिल्कुल फर्क हो जाता है। वही कोमल दैवत आप भैरव में लगाते हैं और वही भैरवी में लगाते हैं, तो वो श्रुतियों का अंतर हो जाता है। जी जी जी, तो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, और आपका बहुत धन्यवाद है। बार बार आप, मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है।